square of land 2 meter, an area of cross section 1.7 into 10 to the minus 6 meter square has a resistance of 2 into 10 to the minus 2 ohm. The resistivity of copper is resistivity चाहिए copper की. resistance कितनी है 2 into 10 की power minus 2. अब इसके लिए कौन सा समझो के है डॉ के टेस्ट में आया था सवाल. रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के. ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा लेंथ ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, एरिया बढ़ेगा तो कम हो जाएगी. मैस का रूल है प्रोपोर्शन का निशान हटता है इक्वल टू और कॉन्स्टेंट आता है. ये रॉ रेजिस्टिविटी है. अब रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाती है, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइड बाय लेंथ. और एरिया खुद लेंथ स्क्वायर भी होता है तो भी अलग कभी खाली रेजिस्टेंस और लेंथ दी दिए तो रेजिस्टेंस को लेंथ से मल्टीप्लाई करो तभी हमारे पास क्या कहती है रेजिस्टिविटी. डायमेंशन के हवाले से कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल में हम यही चीज़ यूज़ करते हैं. अब वेल यहाँ जो सिचुएशन दी हुई है तो इन्होंने रेजिस्टिविटी निकालने को कह रहे हैं. रेजिस्टेंस की जगह में रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखूंगा. एरिया कितना दिया है 1.7 × 10⁻¹. कैलकुलेशन की टेंशन ना लिया करें, जहाँ ज़रूरत होती है भाई हम बना देते हैं. और लेंथ दी हुई है 2 मीटर. कुछ कटता हुआ दिख रहा है, चीज साफ दिख रहा है, ये 2 कट जाएगा. 1.7 वैसे आया है, 10⁻²⁶ का मतलब क्या, 10⁻⁸. तो रेजिस्टिविटी आ गई. अब यूनिट क्या होता है इसका, देखो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम था, लेंथ का मीटर, तो इसका यूनिट होता है ओम मीटर. किसकी बात हो रही है, रेजिस्टिविटी. यूनिट होगा ओम मीटर.